हेलो एवरीवन तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन से फिजिक्स से चैप्टर ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन सुनते ही बच्चों को डर लगने लग जाता है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है सारी प्रॉब्लम झुमंतर हो जाएंगी जब आप ये वीडियो देख लोगे तो अगर आप हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो बस आपको यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश बाबा वन टू थ्री तो ये हमारी टेलीग्राम की आईडी है ठीक है अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक तो न्यूटन बाबा आ गए फिर से न्यूटन बाबा ने क्या कहा था न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था एक दिन न्यूटन जी बैठे थे पेड़ के नीचे और सडनली एक एप्पल पेड़ से नीचे गिर गया अब यार सोचने की बात है कि क्या पहली बार तुमने ऐसा कुछ देखा था भाई कोई चीज नीचे गिर रही है ऊपर से बहुत सारी ऐसी चीजें तो तो है, है डूबे हुए थे उनको सोचना था कि मैं बच्चों के लिए क्या टेंशन क्रिएट करके जाऊं तो उन्होंने तुम्हारे लिए टेंशन क्रिएट कर दी ये कि एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा ऊपर क्यों नहीं गया सो वाई डज एप्पल फॉल ऑन अर्थ ट्री अब तुम्हें सीधी सीधी बात पता होनी चाहिए कि अर्थ जो होता है वो अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करता है ठीक है अर्थ की एक अट्रैक्टिंग पावर होती है इस वजह से जो एप्पल था वो अर्थ के ऊपर गिरा था क्या अब ये क्वेश्चन आता है कि एप्पल भी क्या अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है तो तुम्हारा आंसर होगा यस लेकिन हमेशा याद रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है उनका मास बहुत जरूरी है हमने चेक करना ठीक है क्योंकि जो एप्पल है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे साइज का है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उस पर फोर्स नहीं लगाता हाँ लगाता है लेकिन निग्लिजिबल है वो अर्थ के ऊपर ऐसे कहते हैं ना हाथी के शरीर पे एक छोटी सी चीटी बैठी है उसके बराबर है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है अर्थ को अब अर्थ पे तो इतने लोग घूम रहे हैं फिर भी अर्थ को कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स सो दैट्स वाई अगर कोई अट्रैक्टिंग फोर्स लगा भी रही है ऑब्जेक्ट्स तो भी हमें वो दिखाई नहीं देती है हम लोग भी अर्थ पे लगाते हैं अट्रैक्टिंग फोर्सेस लेकिन हमारी फोर्स अर्थ से बहुत ज्यादा कम है कमली न्यूटन ने क्या सजेस्ट किया तो इन्हीं बातों को सोचते हुए न्यूटन दस सजेस्टेड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर सारी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स समझे कि जो भी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है तुम मिल रहे हो अपने दोस्त से तुम्हारा दोस्त किसी से मिल रहा है मतलब दस बारह लोग खड़े हैं ये सब एक दूसरे पे अट्रैक्टिंग फोर्सेस लगाते हैं लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती है और इस फोर्स को बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स अब देखिए आप जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो आपको अपनी तरफ खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो अब ये जो बंदा यहाँ पे नीचे गिरा है हाँ मान लो शायद इसने इसको धक्का दिया है लेकिन उसके बाद जो सारा काम किया है ना वो अर्थ ने किया है अर्थ ने उसको अपने पास ले लिया आ जा बेटा तुझे कोई नहीं पकड़ रहा तो मैं पकड़ लेता हूं तो इस तरह से अर्थ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पुलिंग ओके फॉर पुलिंग यू एंड कीपिंग यू ऑन द अर्थ आगे देखिए आप इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस तुम्हें पता चल गया लेकिन उसको और अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कहोगे कि वेन एवर यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स अगर आप ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हो इट रीचेज अ सर्टन हाइट एंड देन तो फॉल्स डाउनवर्थ तो टूवर्ड्स तो अर्थ हाँ ये थोड़ी ऊंचाई पे जाएगा जैसे इस लड़की ने बॉल को उछाला ये ऊपर गया लेकिन अल्टीमेटली इस बॉल को नीचे ही आना पड़ेगा ओके okay? सो so, जब भी आप कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकोगे वो कुछ हाइट पे जाके वो फिर नीचे की तरफ गिरेगी सो so, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट जो है ये आर एक्टिंग अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ठीक है ये सब के सब जो भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं डेली लाइफ में हमारे आसपास होती है सब ग्रेविटेशनल पुल के अंडर आती है ठीक है तो या फिर आप इसको कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंडर आती है जो कि क्या होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हर टाइम अर्थ से अट्रैक्टेड रहती है अब ये लड़की जो उछली है ना बड़े मजे से इसको आना तो नीचे ही पड़ेगा इसको नीचे नीचे जमीन पे ही आना पड़ेगा ओके सो नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन अब हमने पढ़ लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या हैं लेकिन एक लॉ में अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसको बड़े मैथमेटिकल फॉर्म में न्यूटन ने हमें समझाया है उसके अकॉर्डिंग क्या था अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन

मान लो एक ऑब्जेक्ट m है m1 है एक ऑब्जेक्ट n मतलब एक ऑब्जेक्ट 1 है एक 2 है दोनों के मैसेस m1 n2 हो गए और यही जो फोर्स है सेम फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम अब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हमने ली हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमने ली हैं 1 और 2 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा r उसका स्क्वायर कर देंगे तो मतलब ये अपॉन आर स्क्वासलीपोर्शनल हो जाएगी के हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे किसी किसी बुक्स में आपको इनका डिस्टेंस भी दिया होगा किसी बुक्स में आर दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो तो मैं ये क्या कहूंगी कि ये ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पे ये फोर्स लगाएगी इसके ऊपर ऐसी दूसरी ऑब्जेक्ट रखी है ये भी फोर्स लगाएगी इसके ऊपर इसका मास हो गया एम वन इसका मास हो गया एम टू तो दोनों के बीच का डिस्टेंस या तो डी या फिर आर कुछ भी ले सकते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ जो है एम वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम टू की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स तो सेम ही लग रही है ना दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर तो अगर हम तीनों इक्वेशन को कम्बाइन कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वन एम टू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के so अगर हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटा देंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आ जाता है जी ठीक है जिसको हम ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं सो so ये बन जाएगी हमारे पास फाइनली इक्वेशन तो इसका मतलब अगर f g m1 m2 टू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल है तो अगर मुझे इसमें से g की वैल्यू निकालनी हो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो ये बन जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू ठीक है तुम अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो देखेंगे आप कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन आर मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस है distance है तो मीटर स्क्वायर जो मासेस होते हैं वो किलोग्राम में होते हैं तो किलोग्राम किलोग्राम दो बार है तो पर किलोग्राम स्क्वायर ठीक है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर दिस विल बी यूनिट फॉर जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट अब आपको याद रखनी है जो चीज वो ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर तो ये जो, जो जिसने फाइंड की थी ये वैल्यू उनका भी नाम आपको याद दस तो बस बताने के लिए जस्ट कि हेनरी केवेंडिश ने सेवनटीन थर्टी वन टू एटीन टेन के बीच में इसको इस वैल्यू को दिया था प्रपोर्शनली प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जी जो है उसको हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं अब देखिए आगे वाई वी स्टडी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम क्यों पढ़ते हैं भाई इसका क्या इसकी क्या खास बात है इट एक्सप्लेन्स मेनी इंपॉर्टेंट फिनमिना ऑफ द यूनिवर्स जैसे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें इससे पता चलता है कि जो मून है वाई मून ऑलवेज मूव इन सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ एंड सन इससे भी हमें ये भी हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू पता चला था सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड सॉरी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ये भी हमें इसी से पता चला था और सन और मून जो है वो टाइड लहरें बनाते हैं ये भी हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू पता चला था और एक और चीज ये जो सर्कुलर मोशन वाला यहाँ पे पॉइंट आता है ये आपसे पूछ लिया जाता है इसको इसको कौन सी फोर्स का नाम दिया दिया गया है इसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही वन मार्ग में कभी पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है तो आपको क्या बताना है कि ये एक फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में ही घूमना पड़ता है ठीक है आगे देखिए फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून ये आपको सोल्व करना है मैंने यहाँ पे आपके लिए देखिए कितना प्यार अर्थ का स्केच और मून का स्केच बना दिया है दोनों के बीच का मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया कितना है मास ऑफ अर्थ याद कर लो कितना होता है सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी फोर के जी और मून का होता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री को आप सिक्स पॉइंट सेवन भी कई जगह पे वहां पे आपको दिया गया होगा ठीक है तो ये सब यूज कीजिए और सॉल्व करके दिखाइए मुझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी अर्थ और मून के बीच में ट्राई टू सॉल्व मैं आपको टाइम दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए ओके 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 यहाँ पे आप इसको पॉज करके वीडियो को रोक कर इसको खुद सॉल्व कीजिए और इसका आंसर देखिए तो मैं बता रही हूं आपको इसका आंसर क्या यही आंसर आया सभी का अगर ये आया है तो इसका मतलब तुम सही जा रहे हो जानी क्या फॉर्मुला लगाएंगे इसके ऊपर देखिए फोर्स की जो वैल्यू निकल रही है टू पॉइंट जीरो निकली फॉर्मूला क्या होता है एफ इजिक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर सब कुछ आपके पास गिवन था मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये सब आप जब पुट करते हो आपका आंसर आएगा ये ठीक है अब बढ़ते हैं आगे फ्री फॉल यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या फ्री फॉल है क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे तो तुम पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हो जिसमें तुम एक्सेलरेशन को तो ए लिखते हो अगर ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है तो तुम जी लिखते हो ये तुम्हें ऑलरेडी सबको पता है यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करती है अर्थ की तरफ देयर इज एन एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रही है तो वो जो एक्सेलरेशन वहां पे होगी वो किस वजह से होगी अर्थ की वजह से ठीक है तो ये जो एक्सेलरेशन होगी इसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यही फ्री फॉल भी होती है ठीक है जिसमें ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है और उसके ऊपर कोई अलग से फोर्स नहीं लगाई जा रही है

अगर मैं सिर्फ अर्थ के कंपैरिजन में देखू तो मैं उसको किस तरह से लिखूंगी एफ इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वा अब हमें पता है फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन लेकिन मैं उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करके एम इंटू जी लिख दूंगी तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अच्छा तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं दोनों को कंपेयर uh, कर दूं तो क्या बन जाएगा दोनों की एफ की वैल्यूज लिख दो एक एफ की जगह एम जी लिख देना दूसरा ये लिख देना अब आप खुद देखिए एम से एम यहाँ पे कट हो जाएगा क्या बचा आपके पास जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास थर्ड इक्वेशन अब व्हेन बॉडी इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ तब क्या होगा अब ये जो बॉडी जब अर्थ के ऊपर थी तब तो ये सारा हमने निकाल दिया कि ये निकलेगा ठीक है लेकिन दोनों के बीच अगर आप डिस्टेंस आ जाए कि दोनों के सेंटर से अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो अभी स्मॉल आ रहा है तो उस केस में आपको जी लिखना होगा इस तरह से क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई ये कब आएगा कैपिटल आर स्क्वायर जब मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर लेके चल रही हूँ ठीक है जैसे हम खुद ही है ठीक है उस केस में आपको कैपिटल आर यूज करना है लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से कुछ दूरी पे है तब आपको ये लेना है आई थिंक सो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी सभी को वैल्यू ऑफ जी मे तो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है ना वो हर जगह सेम ली जाती है in, uh, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है इसकी वैल्यू अलग अलग होती है अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वा हमने अभी अभी ऊपर वाले इक्वेशन से लिया

एंड बर्ल आउट एट द इक्वेटर ठीक है इस तरह से यहाँ से जो इसके पोल्स वाली चीज होती है ये क्या होती है फ्लैट होती है और यहाँ से बाहर की तरफ निकली होती है इक्वेटर से तो ये शेप हो जाती है एक्चुअल मतलब आप लगा लो ऐसे फ्लैट होते हुए यहाँ से मोटी ऐसे जाती है ये भी फ्लैट होती है तो ये इस तरह से कुछ शेप होती है सो so, इससे क्या होगा जब पोल्स पे फ्लैट होगी और इक्वेटर पे बर्स्ड आउट होगी उस केस में क्या हो जाएगा जी की जो वैल्यू होती है वो पोल पे ज्यादा हो जाती है ठीक है और इक्वेटर पे क्या हो जाती है कम हो जाती है लेकिन हमारी सहूलियत के लिए हम जी की वैल्यू को थ्रू आउट कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं जो कि क्या है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन ये वाली चीज आपसे पूछ ली जा सकती है इसलिए मैंने बता दिया कि जी की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे पोल्स पे और कम कहाँ होगी इक्वेटर पे लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको कांस्टेंट लेके चलते हैं कई केसेस में आपको 10 भी लेनी पड़ सकती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला जाएगा तब अब देखिए आगे जी की कैलकुलेशन कैलकुलेशन मतलब जी की वैल्यू निकली कैसे जो ये हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलते हैं तो हमें अभी-अभी पढ़ा था कि मास ऑफ अर्थ ये होता है है ना रेडियस ऑफ अर्थ भी लर्न कर लो सिक्स फोर इंटू टेन रेस टू पावर सिक्स मीटर और यहाँ पे सॉरी कैपिटल जी ले लीजिए इधर कैपिटल जी आएगा तो कैपिटल जी कितना होता है टू पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर अब लगाइए फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये सारी वैल्यू जब आप पुट करते हो ना ये देखो ये जी की वैल्यू ये एम की वैल्यू ये आर की वैल्यू ये सब कुछ जब आपने पुट किया तो आप जब सारा कुछ सॉल्व कर लोगे आपके पास आ जाएगा ये ठीक है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो दिस इज द कैलकुलेशन हाउ यू डू द कैलकुलेशन फिर से बोल रही हूँ ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी बहुत जरूरी है हो सकता है गिवन हो, हो सकता है ना भी गिवन हो हम कुछ नहीं बता सकते आप देखिए आगे तो अब इसका क्या मतलब हुआ

तो मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो यहाँ पे इस बॉल की एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी तो यही वाली बात बस याद रखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी सेम रहेगी हर बॉडी जो भी फ्रीली फॉल करती है उसकी ग्रेविटेशनल सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये रहेगी तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है क्या एक लड़की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसकी टी शर्ट पे लिखा है इंग्लिश बाबा है ना इसीलिए आपको कह रही हूँ इंग्लिश बाबा को फॉलो कर लेना तो एक हाथ में उसके पास है टेनिस बॉल दूसरे हाथ में है बास्केट बॉल दोनों को वो सेम टाइम पे नीचे गिरेगी ठीक है फ्रीली फॉल करवाएगी तो उसके इसमें क्या होगा अब आप मुझे ये बताइए कि टेनिस बॉल पहले गिरेगी या बास्केटबॉल सोचो 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 फॉल फर्स्ट यस तो आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों की दोनों चीजें जो है वो सेम टाइम पे फॉल करेंगी तो ये है बिल्कुल करेक्ट क्योंकि दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो अब अर्थ पे डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई है न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है सॉरी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो है आप दोनों बॉल्स के लिए सेम एक्सेलरेशन होगी तो अब जो कि पॉइंट्स टू रिमेंबर जो कि आपको याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स क्या हैं? द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो सेंटर ऑफ अर्थ ठीक है अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे जो ग्रेविटी होती है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस एंड देन डिक्रीजेस वाइल गोइंग अप फ्रॉम द सरफेस ठीक है जी की जो वैल्यू होती है वो सेंटर से सरफेस पे आते-आते इंक्रीज होती है और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है हालांकि मैंने अभी आपको ये वाली बात बताई थी कि जी की वैल्यू आपको कॉन्स्टेंट लेके ही चलनी है दैट इज पर ये कुछ जनरल पॉइंट है जो आपको पूछे जा सकते हैं आपको पता होना जरूरी है अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ मास कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा दोनों चीजें सेम टाइम पे इकट्ठी नीचे गिरेंगी क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ठीक है वो किस पे डिपेंड करती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करती है सो ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली ठीक है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे एक साथ गिरेंगी उनपे सेम रेट सेम स्पीड से गिरेंगी अब देखिए आगे वैल्यू ऑफ जी इज सेम ऑन अर्थ सो द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन आपको ऑलरेडी पता है तो आप यहाँ पे जी यूज करेंगे ऐसे ही यहाँ पे भी आप जी यूज करेंगे और इसी तरह से इधर भी आप जी यूज करेंगे ठीक है मतलब अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको गिवन होगा आगे देखिए अब एक और चीज जो बहुत कम पता होती है बच्चों को वो क्या है वेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अर्थ ऊपर की तरफ अगर फेंका जाएगा तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो वहां पे जी की वैल्यू आपको क्या नेगेटिव यार देखो ये वाली चीज तो कॉमन है कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी ठीक है तो वहां पे आपको जी की वैल्यू ले लेनी है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड अगर कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है पहले तो वहां पे वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी तो नेगेटिव हो जाएगी ना तो उस केस में आपको G को क्या ले लेना है माइनस की फॉर्म में ले लेना है ठीक है तो यही चीज v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी होगा u प्लस जीटी था वो माइनस जी टी हो जाएगा ऐसे यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई आगे देखिए न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड जो जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है उससे रिलेटेड आपको किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं देखिए अब ठीक है आपको velocity दे कि एक बॉल को इतनी विलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट इज इट राइजेस अभी सिर्फ हम इतना सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने हाइट निकाली है हाइट का मतलब हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं एस बोल सकते हैं तो हमें एस की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको फेंका गया वो कितनी है फोर्टी नाइन फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे यहाँ पे तो वो माइनस की फॉर्म में अभी अभी बताया मैंने कि ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाती है ऑपोजिट तो आपको जी की वैल्यू यहाँ पे लेनी है माइनस नाइन पॉइंट एट उसके बाद है हाइट यानी कि डिस्टेंस यानी कि एस तो वो आपको निकालना है तो आपको तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है देखिए खुद ये आप यूज नहीं कर सकते टाइम आपको नहीं गिवन तो ऑब्वियसली कौन सी यूज करोगे ये वाली तो ये यूज की हमने ठीक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एस ओके लेकिन फिर याद रखना क्योंकि जी जो है वो माइनस लेना है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव ले लेना है सारी वैल्यूज पुट कर दो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव करके देख लेना आगे देखिए दूसरा जो आपको क्या निकालना है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ अर्थ अब इसने कितना टाइम लिया वापस नीचे गिरने में जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है उसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका इतनी हाइट उसने कवर कर ली अब वो नीचे गिरेगी तो नीचे गिरने में उसको कितना टाइम लग रहा है ठीक है ये निकालना है तो आपको v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी वाली इक्वेशन पता है g को नेगेटिव ले, ले लेना है यहाँ पे ओके okay, u आपके पास गिवन है 49 और इस v आपको पता है कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो टाइम कितना निकल गया फाइव सेकेंड अब यार ये यह वाले यहाँ पे बच्चे पता क्या गलती करते हैं पढ़ते नहीं है पूरा वो टाइम सोच लेते हैं लेकिन टोटल टाइम पूछा आपसे जाने का और आने का टोटल टाइम निकाल देना ठीक है कितना टोटल टाइम टू रिटर्न टू द सरफेस बाय द बॉल फाइव फाइव सेकंड जाने के फाइव सेकंड आने के तो कितना हो गया टोटल टेन सेकंड आ गया समझ में आ गया तो फिर लाइक मार देना भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 19.6 एक टावर है लंबा सा कितना लंबा 1 सेकंड

तो obvious है यार देखो यू तो क्या होगा जीरो होगा रेस्ट से फेंका जा रहा है हाइट आपको निकालना है Height आपको, means distance आपको given है। अब नीचे की तरफ वो गिर रहा है तो पॉजिटिव में आपको ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ये ले लेना है नाइन पॉइंट एट और सीधा फॉर्मूला लगाना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इजिकल्स टू टू जी एस अब वी आपको निकालना है यू आपको जीरो गिवन है टू जी की वैल्यू आपको पता है S की वैल्यू आपको पता है सारा कुछ पुट करने के बाद आपका आंसर आता है 19.6 मीटर पर सेकेंड तो जो ग्राउंड uh, को टच करने से पहले पहले उसकी वेलोसिटी निकली है वो कितनी निकली है 19.6 मीटर पर सेकेंड तो ये हो गया आपका आंसर इजी है यार क्वेश्चन सब हो जाएंगे अगला क्वेश्चन देखिए अब यही स्टोन जो हमने अभी नीचे की तरफ फेंका था तो इसको ऊपर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपर्ड विदिशियल आपको यू दे दिया उसने कितना? 40 meter per second. जी आपको देखो इसने यहाँ पे बोल दिया कि टेन लेना है कितना ले लो टेन तो इस तरह से आपको गिवन होता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई द स्टोन नीचे से ऐसे यहाँ पे तुम्हारे जैसा शरारती बच्चा है उसने ऊपर की तरफ स्टोन को फेंका ठीक है उसकी विलोसिटी तुम्हें इनिशियल दे रखी थी कितनी फोर्टी ऊपर कितनी हाइट उसने कवर कर ली एस आपको निकालना है ठीक है आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कितनी हाइट उसने कवर कर ली उसके बाद व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन ठीक है ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना अच्छा अब देखिए फोर्टी मीटर पर सेकंड यू दे रखा है ऊपर की तरफ फेंका गया तो वो माइनस में ले लेंगे हम जी को एच या फिर एस हमें निकालना है वी जीरो हो जाएगा फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे ठीक है आपके पास एस की वैल्यू निकल जाएगी कितनी निकलती है एस की वैल्यू अस्सी निकाला नहीं है लेकिन निकलेगी ठीक है एट्टी निकल जाएगी यहाँ पे वैल्यू अब नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा आपसे क्योंकि यार देखो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन जीरो क्यों लिया यहाँ पे एज द स्टोन फॉल्स बैक टू द सेम पॉइंट अब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था पिछले चैप्टर्स के अंदर क्या होता है कि अगर कोई चीज इनिशियल से फाइनल उसी पॉइंट पे वापस जहां से उसने शुरू किया उसी पॉइंट पे वो वापस आ रही तो वो जीरो हो जाती है ठीक है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी आगे देखिए टोटल डिस्टेंस ऊपर जाने का भी अस्सी और नीचे आने का भी अस्सी तो ऊपर जाने का और नीचे आने का एट्टी एट्टी दोनों को प्लस कर देंगे कितना होगा वन सिक्सटी तो यहाँ जो एक एस निकला है उसके बाद टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको अस्सी में अस्सी और जोड़ने होंगे अप और डाउन दोनों का निकल जाएगा वन सिक्सटी आ गया ना समझ में बहुत ईजी है इसी तरह के क्वेश्चन आपको करने होंगे आगे देखिए मास और वेट जो कि अभी तक बच्चों को समझ नहीं आता कि हम एक्चुअल में अपना मास चेक करते हैं या हम अपना वेट चेक करते हैं तो आज आपकी ये वाली कंफ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ बहुत ध्यान से इसको समझिए पिक्चर से ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो वेट है वो अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है तो यही से इशारा समझ लो अर्थ के ऊपर लगने वाली फोर्स अब देखिए मास क्या है मास क्या है क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट मतलब क्या बोल रहे हो मैम समझ में नहीं आया यार देखो तुम तुम अपना जब मास मतलब तुम्हारी जो बॉडी है तुम अपने आप को देख पा रहे हो तुम्हारी बॉडी के अंदर मास है ब्लड है, है हड्डियां है ये है वो है सब कुछ उसके अंदर घुचमु मिला हुआ है वो मैटर है ठीक है मतलब जो मास है वो मैटर है कितनी चीजें क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर भर रखा है ठीक है समोसा कचौड़ी ये वो सब मिला लेना बीच में अच्छा मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऐसा नहीं है कि आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाओगे तो आप देखने में पतले और देखने में मोटे हो जाओगे एकदम से ऐसा कुछ नहीं है एक दिन से एक दिन में आपकी बॉडी करीना कपूर जैसी स्लिम ट्रिम नहीं हो सकती है ना तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो मास होता है ना जो देखने में हम हैं जैसे हैं वो मैटर उसके अंदर वैसे का वैसा ही रहता है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है ठीक है चाहे आप आप मून पे चले जाओ चाहे सन पे चले जाओ सन पे जाना जा सकते हो तो तुम जाके दिखा देना मेरे को तो नहीं पता कि अभी तक कोई गया है ओके मास हैज नो डायरेक्शन एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी यार इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ा ना है है ना हम सिर्फ इसकी टोटल कितनी क्वांटिटी है वही चेक कर सकते हैं हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में है ये थोड़ा ना पता है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है दैट इज वाइज इसको क्या बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी अच्छा मास कैन नेवर बी जीरो यार छोटी से छोटी चीज भी है उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा चाहे वो ग्राम्स में ही हो चाहे बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में हो ठीक है तो इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ऐसा यूनिट मतलब जो मास जिस यूनिट में मेजर होता है वो होता है किलोग्राम ठीक है मतलब जब आप, आप अपना वेट वेट बोलते हो जिसको तुम कि तुम अपना वेट मेरा वेट तो साठ किलो है तो वो तुम्हारा वेट नहीं है वो तुम्हारा मास है तुम्हारी बॉडी का मास है तुम्हारी बॉडी में कितना मैटर भरा हुआ कितना कुछ खा खा के ठूस ठूस के तुमने साठ किलो किया है वो पता लगेगा तुम्हें और मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस ठीक है ये जो तुम्हें यहाँ पे आलू कचालू दिख रहा है ये जिसके अंदर बैठा है उसको बोलते हैं बीम बैलेंस जो तुम सब्जी वब्जी लेने जाते हो ये बीम बैलेंस पे ही उसको चेक किया जाता है तो वो हम मास देख रहे हैं एक किलो आलू दे दो भाई एक किलो आलू अगर लेना होगा तो वो उसका मास है वेट नहीं है ठीक है तो ये वाली चीज मेरे ख्याल से बहुत मैंने अच्छे से तुम्हें बता दी है अब देखिए आगे वेट क्या है तो वेट अब समझो इसको ध्यान से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट ठीक है पहली बात तो सीधा सीधा तुम जो भी हो तुम्हारा जो वेट है वो तुम्हारा अर्थ के ऊपर लगने वाला फोर्स है या फिर जो अर्थ तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो हमें पता है फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन तो यहाँ पे फोर्स को वेट से रिप्लेस कर दिया एफ क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया डब्ल्यू से क्योंकि डब्ल्यू ये जो तुम वेट लगा रहे हो वो फोर्स है मास इन टू एक्सेलरेशन अब यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा तो यही चीज आपको पता चलेगी कि डब्ल्यू सी को अच्छा द वेट ऑफ योडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द मास मैं बात ध्यान से देखो ऊपर वाले केस में मैंने क्या बोला मास नहीं बदलता मास एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कभी नहीं बदलेगा लेकिन वेट बदल जाएगा ठीक है क्योंकि हर जगह पे सेम ग्रेविटी थोड़ा ना होगी अर्थ पे तो ये ग्रेविटी सेम है लेकिन मून पे सेम थोड़ा ना होगी तो वेट बॉडी का बदल जाता है मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो साठ किलो वेट जो, जो तुम्हारा साठ किलो मास है वो वो अगर हम मेजर करना चाहते हैं वो कम कैसे करना चाहते हैं तो मून पे चले जाना वहां पे तुम्हें कम दिखाई देगा ठीक है तो बस सिर्फ ये खुश होने के लिए है कि ये वेट कम दिखाता है लेकिन एक्चुअल जो मास है वो तो सेम ही रहेगा जो तुम दिख रहे हो वो तुम दिखोगे तुम मोटे के मोटे ही दिखोगे भले ही तुम्हारा वहां पे वेट कम दिखाई दे रहा हो ठीक है अच्छा अभी देखो तुमने पढ़ लिया कि वेट चेंज होता है प्लेस टू प्लेस तो हम अगर हम जब भी वेट को देखते हैं वो हम हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड देखते हैं ये आपको भी मैंने एक आदमी ने था ऊपर अर्थ के ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो नीचे की तरफ लग रही है ना उसकी फोर्स देखो ये नीचे की तरफ लग रही है इट इटमीन्स उसको हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स देखा जाता है ठीक है सो इसका मतलब उसकी एक डायरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड भी है उसकी डायरेक्शन भी है तो वो क्या हुई वेक्टर क्वांटिटी तो ये याद रखना मास स्केलर क्वांटिटी है वेट क्या है वेक्टर क्वांटिटी अब ऊपर मैंने बोला था कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता कुछ ना कुछ मास तो होगा ही लेकिन वेट जीरो हो सकता है जहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी जहां पे जी ही जीरो हो जाएगा अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगी तो वहां पे वेट भी क्या हो जाएगा जीरो भले ही मास यहाँ पे तुम्हारी बॉडी का अस्सी किलो नब्बे किलो कुछ भी हो तो मैं अगर नब्बे किलो का आदमी ले लू और वो किसी ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो वो उसका मास क्या बना देगी जीरो बना देगी अब मुझे ये बताओ कि जीरो के साथ मैं यहाँ पे के लगाऊं क्या लगाऊं बेटा नहीं यहाँ पे लगेगा न्यूटन क्योंकि ये एक फोर्स है तो ऐसा यूनिट वेट का भी क्या होता है न्यूटन जो कि फोर्स का होता है वही क्या होता है वेट का होता है सो वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस आपने ये लैब में देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस का जब हम यूज करते हैं तो वो वेट मेजर करके देता है न्यूटन के अंदर ठीक है तो ये वाली चीज मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें समझा दी कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है अब आती है मून पे जाने की बारी ठीक है जब हम चंदा मामा पे जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है जस्ट लाइक अर्थ मून ऑल्सो एग्जर्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट्स यार देखो अगर अर्थ का हक है ना हमारे ऊपर फोर्स लगाने का दबाव डालने दा, का तो मून का भी है चंदा मामा भी तो हमारे कुछ लगते हैं ना थोड़ी बहुत तो वो भी लगाएंगे फोर्स थोड़ा बहुत डांट के तो वो रखेंगे धरती हमारी माँ है तो माँ के माँ के पास ज्यादा हक है फोर्स लगाने का लेकिन मून भी तो चंदा मामा है मामा है मम्मी के भाई है तो थोड़ी बहुत फोर्स तो वो भी लगाएंगे तो ये भैया मम्मी ठीक है ये हो गया भाई चंदा मामा और ये हो गई माता ठीक है तो ये माता जो है वो ज्यादा फोर्स लगाती है और मामा चलो यार भाई की जगह यहाँ पे मामा लिख लो ठीक है तो माता और मामा में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा माता ज्यादा फोर्स लगाती है मामा थोड़ी सी कम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स ऑन द मून आल्सो हैव सम वेट ठीक है ऐसा नहीं होगा उनका वेट खत्म हो जाएगा उनका वेट होगा मून के ऊपर जाने के बाद मास सेम रहेगा लेकिन वेट बदल जाएगा तो वेट विल नॉट बी सेम एज देन ऑन द दे अर्थ ठीक है तो देखो ध्यान से यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसकी जिसका मास आपको कितना दे रखा है 120 किलो देख लो यार कैसे कैसे लोग हैं 120 किलो वाले भी ऊपर चले जाते हैं मून के ऊपर है ना वैसे तो देखो फिट होते हैं जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवर वेट दे दिया इन्होंने तो अच्छा वेट अगर हमें इसका निकालना होगा तो ऑब्वियसली फॉर्मूला बताओ जल्दी से मुझे W इज इक्वल्स टू एम इन टू जी तो एम आपको बता दिया उसने 120 है जी आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सीधा सीधा लेना है तो 10 ले लो कितना बना बारह सो न्यूटन कितनी फोर्स लगा रहा है वो के <laughs> है इतना, इतना अर्थ के ऊपर यार इसीलिए करेगी अच्छा यही वाले बंदे को अब भेज दिया गया मून पे तो मून पे देखो मास तो सेम टू सेम है लेकिन वेट कम हो गया अब ये टू हंड्रेड न्यूटन कैसे निकला यार कैसे निकाला करो इसको इसी को तो तुम्हें निकालना है कि ये ऐसी चीज कैसे हो गई सीधी सीधी बात बता रही हूँ मून पे जाते ही वन सिक्स हो जाता है जो वेट है वो वन सिक्स हो जाता है मतलब अगर मैं इसको ट्वेल्व हंड्रेड को डिवाइड कर दू सिक्स से तो कितना बना टू हंड्रेड तो ये चीज है अब ये निकलेगी कैसे वो तुम्हें निकालने के लिए तुम्हें इसको डिराइव करने के लिए बोला जाएगा कि बताओ कैसे निकला तो देखिए कैसे निकला मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन अर्थ लेकिन फिर भी बताऊंगी कि तुम भूलो मत मासम रहेगा अर्थ के ऊपर चाहे मून के ऊपर तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम ठीक है मून का मास लर्न कर लो कितना होता है सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी टू ये थोड़ी बहुत वैल्यू कभी कभी बदली हुई मिलेंगी भी आपको गिवन जो होती है थ्री पॉइंट सेवन पॉइंट थ्री फोर भी हो सकती है पर पे 5.98 भी हो ठीक है अच्छा ऐसे ही पड़ेगा रेडियस ऑफ मून गिवन है यहाँ पे ये लर्न कर लेना रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है आपको ये भी लर्न कर लेना तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए अच्छा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून तो मैं हमें फॉर्मूला सबको पता है एफ क्या होता है जी M M अपॉन आर स्क्वायर यही होता है अब F की जगह मुझे क्या लिख लेना है W और यही W मून के लिए लिखेंगे तो नीचे लिख देंगे M छोटा सा मामा ठीक है मास ऑफ मून ठीक है और जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट ले रहे हो आप साथ में इसका ये कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास क्योंकि हम मून के ऊपर ले लें तो नीचे रेडियस ऑफ मून लगा देंगे ऐसे ही जब अर्थ का निकालोगे तो डब्ल्यू लिख e दोगे मास ऑफ अर्थ और जो ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है अर्थ के ऊपर वो और रेडियस ऑफ अर्थ हो गई ये वाली बात क्लियर ये दोनों इक्वेशन आपको लिख देनी है इस तरह से कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अब देखिए आगे अब क्योंकि हमें इन दोनों की रेशियो निकालनी है कि दोनों में कितना फर्क है तो मून और अर्थ के वेट को डिवाइड कर देंगे दोनों के पुट किए मून वेट ऑफ मून का फॉर्मूला जी एम मून के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए मास अपॉन आर एम स्क्वा ऐसे ही अर्थ वाला लगा देंगे जितनी भी वैल्यूज तुमने ऊपर लिखी थी सारी की सारी पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है वन बाय सिक्स ठीक है तो आप क्या बोलोगे कि वेट ऑफ मून वन सिक्स होता है वेट ऑफ अर्थ के जो भी वेट अर्थ पे होता है ठीक है तो W का फॉर्मूला लिख दिया एम इन टू जी ऐसे ही W का फॉर्मूला लिख दिया M इंटू जी बस इसके नीचे जी इसके नीचे जी ठीक है मास से मास कट कर दो जी एम इज इक्वल टू वन बाय सिक्स मतलब ग्रेविटी ऑफ मून वन सिक्स होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ की आ गया समझ में यस आई नो आपको ये समझ में आ गया है अब बढ़ते हैं आगे इससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल किस तरह का पूछा जाता है देखिए आपसे सीधा सीधा बोला गया वेट ऑफ बॉय ऑन सर टू नाइन न्यूटन बोल रही हूँ वेट बोल रहा है तो यहाँ पे वेट फोर्स होती है आपको अर्थ के ऊपर एक लड़के का वेट बता रखा है कितना है टू नाइनटी फोर ये जो हम जो जो सब लोग अभी तक बोलते हैं हमारा वेट इतना है तुम्हारा वेट कितना है ये सब चीजें गलत चल रही है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में वेट फोर्स कर रहे हो वो तुम्हारी body का मास होता है ठीक है? तो अब तुमसे actual में पूछा जाए कि ये जो लड़का है जिसका इतना आपको फोर्स इतना वेट बता रखा है तो उसका मास कितना होगा तो हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है मास इज इन किलोग्राम एंड जी इज क्या होती है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें तो मास निकालना है तो एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा डब्ल्यू बॉन जी डब्ल्यू आपको दे रखा है जी आपको दे रखा है 30 किलो लड़का निकला इतना निकलाइंटी फोर न्यूटन टू नाइनटी फोर न्यूटन देख के लगे हाई इतना बड़ा लेकिन निकाला तो क्या तीस किलो का चूहा निकला चलिए तो आगे देखिए द वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ इज वन फिफ्टी न्यूटन एंड ऑन द सर्टन प्लैनेट किसी और प्लैनेट पे उसी का जो वेट है वो ट्वेंटी फाइव न्यूटन है यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि जी कितना लेना है टेन मीटर पर सेकेंड अब आपको मैन ऑन अर्थ एंड अदर प्लान दोनों दोनों जगहों पे उसका मास निकालिए और फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ठीक है और एक्सेलरेशन निकालिए तो आप ध्यान से देखिए आपको वेट कितना दे रखा है अर्थ के ऊपर 150 न्यूटन तो मास क्या हो जाएगा मास कैसे निकालते हैं एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय जी है ना वेट दे रखा है आपको 150 फिफ्टी जी आपको कितना लेना है 10 तो 150 फिफ्टी अपॉन टेन पंद्रह किलो यार इतना कम थोड़ा ना होता है किसी का क्या मजाक कर रही हैं तो पंद्रह किलो का आदमी है है ना अर्थ के ऊपर उसका वेट है पंद्रह किलो नाउ मैन डज नॉट वेरी मास डज नॉट वेरा मतलब मास बदलता नहीं है इट विल रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड प्लेट तो उसका जो पंद्रह किलो मास है वो पे पे भी भी और और किसी और पे भी उतना ही रहेगा अब देखिए जो रहेगाट के ऊपर वेट दे रखा है आपको वो ट्वेंटी फाइव है और मास हमें पता है उसका कितना है पंद्रह किलो है तो यहाँ पे देखो इस चीज को नया समझो थोड़ा सा कि यहाँ पे अब आपको जी निकालना है क्योंकि जी हम प्लेनेट पे निकाल रहे हैं हमें अर्थ का तो लेना ही लेना होता है जो गिवन होता है हमेशा वही पर हमें किसी प्लेनेट का थोड़ा ना पता है तो उस केस में वही वाला फॉर्मूला डब्ल्यू क्या होता है एम इंटू जी होता है तो अगर मुझे जी निकालना होगा तो डब्ल्यू को क्या कर दूंगी एम से डिवाइड डब्ल्यू कितना है दूसरे प्लेनेट पे उसका पच्चीस मास तो उसका सेम ही रहेगा पंद्रह तो दोनों को कट करोगे कितना बनेगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू सॉरी वन पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हो जाएगा उसकी एक्सेलरेशन ठीक है जो g की वैल्यू तुम निकालोगे तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है इजी है बहुत ही आसान है हर तरह का न्यूमेरिकल करवा रही हूं बाद में मत कहना मैम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करा दो सारे न्यूमेरिकल हर तरह के बता दो ओके अब देखिए आपको क्या बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट आपको दे रखा है बीस न्यूटन वेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अर्थ के ऊपर है ठीक है वट वुड बी इट्स वेट वेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मून अब मून भी कितना होगा भाई उसका आसान है वन सिक्स है ना अर्थ का अर्थ का जो भी मास उसका वेट होगा उसका वन सिक्स कर दो तो वो मून पे निकल जाएगा तो अर्थ पे अगर वो बीस है तो बीस को वन बाय सिक्स से क्या कर दो मल्टीप्लाई मतलब या फिर सिक्स से डिवाइड कर दो तो कितना बना थ्री पॉइंट थ्री फोर मीटर तो इस तरह से आप निकाल लोगे कि उसका वेट मून पे जाके कितना हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है थ्रस्ट थ्रस्ट क्या होता है थर्सटी क्रो नहीं थ्रस्ट अभी तक तुम फोर्स को पढ़ चुके हो वेट की फॉर्म में अब फोर्स को तुम थ्रस्ट की फॉर्म में पढ़ोगे अब ये सब कुछ जमीन पे हो रहा है भाई आसमान में नहीं जाना मून पे नहीं जाना कहीं नहीं जाना अब यहीं रहो ठीक है आराम से समझो क्या है फोर्स थ्रस्ट क्या है ये एक फोर्स होती है दैट एक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ठीक है जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सरफेस है ठीक है उसके ऊपर इस कील से ये थम के थम की हेल्प से एक फोर्स लगाई जा रही है और अगर आप ध्यान से देखो तो इस सरफेस से ये जो कील है वो बिल्कुल पपेंडिकुलर नाइनटी डिग्री का एंगल बना रही है तो जब ऐसे फोर्स लगाई जाती है बिल्कुल पोपेंडिकुलर डायरेक्शन में ठीक है वो क्या होती है मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाई जाए वो कहलाती है थ्रस्ट बहुत बहुत ही ईजी है इसमें कन्फ्यूज मत होना अच्छा, आप क्या बोल रहे? ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब उसकी डायरेक्शन गिवन है कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएगा और ऑब्वियसली इसका उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी बीस न्यूटन तीस न्यूटन कितनी फोर्स लग रही है तो अगर उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुई ओके तो और ऑब्वियसली थ्रस्ट का भी यूनिट न्यूटन हो जाएगा क्योंकि वो फोर्स है तो ये भी क्या बन जाएगा न्यूटन आगे समझ में आगे देखिए प्रेशर क्या है तो थ्रस्ट और प्रेशर दोनों पे क्वेश्चन आते हैं किस तरह के आते हैं वो भी अभी मैं आपको कराऊंगी अब देखिए जैसे उस केस में लगाई जा रही थी फोर्स देखो इसमें भी ऐसी लग रही है सरफेस है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है ये एक तरह की थ्रस्ट है एक तरह की फोर्स है जो पर यूनिट एरिया एरिया के हिसाब से लगती है जितना ज्यादा एरिया वो कवर कर रही है जितना कम एरिया वो कवर कर रही है ठीक है तो फोर्स दैट एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेशर जैसे तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर होता है पापा के पापा और मम्मी ये का दिया हुआ प्रेशर होता है कि एग्जाम में मुझे चाहिए नाइनटी फाइव परसेंट से ऊपर तो ये प्रेशर है ना इसी तरह इसी अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से फोर्स लगा रहे हो तो वो भी प्रेशर ठीक है तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया बहुत ध्यान से इसको समझते जाना प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं ठीक है देखो इसको यहाँ पे थ्रस्ट भी लिख सकते हैं हम क्योंकि ये फोर्स ही होती है एक तरह से तो प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया इट मीन एफ अपॉन ए तो P क्या बन जाता है F अपॉन ए एफ का तुम्हें यूनिट पता है न्यूटन A का तुम्हें यूनिट पता है मीटर स्क्वायर एरिया का होता है मीटर स्क्वायर तो फॉर्मूला इसका यूनिट क्या बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को हम बोलते हैं पास्कल ठीक है ये प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल अब ध्यान से देखो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए है b जो है वो x से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन a से क्या है इनवर्सली मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा ये वाली चीज आपको अभी कुछ एग्जांपल से समझा रही हूं मैं व्हाई डू नेल्स हैव शार्प एजज जो कील होता है तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा हुआ एक कील ये इसके एज इसका जो कॉर्नर नुक्कड़ जो भी बोलना तुम चाहो वो इतनी तीखी क्यों होती है व्हाई इट इज दिस मच शार्प सो वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अभी अभी तुम्हें बताया कि प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज द एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा सो नेल्स शार्प एजेस मेक इट इजियर फॉर देम टू गेट इन टू द वॉल या फिर कोई भी चीज पे अगर आप उसको ठोक रहे हो लगा रहे हो क्योंकि मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ठीक है हम एक ही बार में हथौड़े से कील को अंदर डाल सकते क्योंकि हमें इजिली उसको स्पेस मिल रही है एरिया यहाँ पे जो छोटा एरिया है कील का उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लग जाएगा एकदम से प्रेशर लगेगा और वो अंदर चला जाएगा समझ गए ये चीज आगे देखिए प्रेशर इन एंड ऐसे ही आपको और भी इसी तरह के और क्वेश्चन जो, जो सैंड एरिया जहां पे मिट्टी मिट्टी होती है डेजर्ट एरिया उसमें अगर कोई लड़की हील पहन के चली जाए जो तीखी सी हील होती है तो वो चल पाएगी उसपे नहीं चल पाएगी है ना क्योंकि जो उसकी हील का एरिया है और जो यहाँ पे डेजर्ट दिख रही है उसकी वजह से एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लग जाएगा और उसकी हील जो सुंदर सुंदर सी हील अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां हील पहन के चलती है ना अगर उनको भेज दिया जाए यहाँ पे तो उनकी कैट वॉक की जगह कौन सी वॉक हो जाएगी खुद ही इमेजिन कर लो आगे देखिए प्रेशर एंड फ्लूड्स फ्लुइड्स क्या होते हैं देखो सॉलिड्स का तुमने पढ़ लिया कि सॉलिड का प्रेशर लगता है क्योंकि उनका मास होता है वेट प्रेशर सब कुछ होता है इसमें लेकिन फ्लुइड्स मतलब जो जिस फ्लो करती है जैसे कि लिक्विड गैसेस ये भी प्रेशर लगाती हैं ध्यान से समझो इस चीज को लिक्विड का भी कुछ ना कुछ मास वास सब कुछ होता है उसकी पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ही गैसेस भी होते हैं सो मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लुड मूव अराउंड एंड क्लाइड विद द वॉल्स ऑफ द जिस भी दर में जिस भी कंटेनर में उनको रखा गया है क्योंकि उनकी फ्लूडिटी पावर है वो घूमते रहते हैं इस वजह से वो टकराते हैं वॉल्स के साथ इधर उधर आपस में हर जगह वो टकराएंगे दस फ्लू ऑल्सो अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स इसीलिए वो भी क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं सो फ्लू एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन लेकिन ये सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ठीक है आगे देखिए बायसी डरना मत यार बहुत ही आसान टॉपिक है ऐसे 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 चुटकियों में समझा दूंगी तुम्हें तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये वाला टॉपिक जो हमें इतना खतरनाक लगता था वो ऐसे समझ में आ जाएगा तो अब बायसी क्या है यार नाम से मत जाओ अंग्रेजों वाला नाम जरूर रख दिया गया है इसका लेकिन कुछ नहीं है इसमें बहुत ही आसान है देखो क्या है बायसी वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ लिक्विड अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्ज इमर्ज मतलब लिक्विड में डाल दिया जाए ठीक है डुबो दिया जाए कुछ भी वर्ड यूज करो द लिक्विड फोर्स और अपथ्रस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लगेगी नीचे की तरफ होगी ठीक है और जो अपथ्रस्ट होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा ओके तो जब पानी जैसे पानी के अंदर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा वो ऊपर की तरफ उसको एक झटका लगता है वही होती है बाइंसी फोर्स ऑफ बाइं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट लगती है नीचे भी जाता है लेकिन नीचे से पानी उसको क्या लगा रहा है एक अपथ्रस्ट लगा रहा है तुम इसको अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो तो ये क्या होती है बायसी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ बाइं इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूड फ्लूड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है वाटर है एल्कोहल है पेट्रोल है डीजल है क्या है किस चीज में उसको रखा जा रहा है उसकी डेंसिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है ठीक है देर फॉर एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू फ्लोट इन वॉटर वेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन बाइंड फोर्स इस चीज को कंफ्यूज मत होना ना देखो बहुत ध्यान से इजिली समझा दूंगी कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है वाटर में अभी इस चीज को मैं पहले समझाऊंगी किस फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स और बाइंड फोर्स को कनेक्ट करके बाद में हम पढ़ेंगे डेंसिटी से रिलेट करके देखो अब कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने ये पानी में डाल दिया ठीक है ये पानी में फ्लोट कर रहा है हल्का हल्का इसमें है लेकिन पानी में फ्लोट कर रहा है तो इसका रीजन क्या है कि मतलब जो ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको जो नीचे जानी चाहिए वो कम है लेकिन नीचे से जो उसको फोर्स ऊपर की तरफ धकेल रही है वो ज्यादा है मतलब ये क्या है मोर नीचे वाली फोर्स क्या है ज्यादा है और ऊपर वाली फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कम है तो उस केस में तो वो क्या करेगा फ्लोट करेगा लेकिन उसका उल्टा कर दिया जाए कि ऑब्जेक्ट सिंक क्यों होता है जब ऊपर वाली जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको ज्यादा लगने लग जाएगी और नीचे से उसको ऊपर लगा वापिस जो फोर्स भेजती है वो क्या हो जाएगी कम कंपेरेटिवली तो उस केस में वो सिंक कर जाएगा वो डूब जाएगा इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है इसीलिए मैंने आपको बताया तो ग्रेविटेशनल फोर्स लार्जर होगी तो उस केस में सिंक हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी तो उस केस में फ्लोट करेगा देखिए अब इसको कैसे देखेंगे देखो बाइंड फोर्स लग रही है ज्यादा और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है कम तो फ्लोट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ज्यादा और बाइंड फोर्स क्या लग रही है कम तो उस केस में वो सिंक मतलब डूबना शुरू हो जाएगा तो ये होती है बायसिटी ये होती है ग्रेविटी बोट की अलग डेंसिटी दिखा रखी है वाटर की अलग दिखा रखी है तो ये आपको फ्लोट करता हुआ डूबता हुआ सारा जो सिस्टम है ऐसे ही समझना है अब देखिए आगे एक एक्सपेरिमेंट जो कि आप खुद करके देख सकते हो एक खाली बॉटल ले लो तुम्हारे घर में बहुत होती है पेप्सी वेप्सी तुम बहुत पीते हो मुझे पता है टेक एन एम्प्टी बॉटल एंड फ्लोटेड ऑन द वॉटर ठीक है उसको पानी के ऊपर फ्लोट करवाओ अगर आप ऊपर से उसको पुश करोगे ना इफ वी पुश इट डाउन इन द वॉटर पार्शली और फुली चाहे उसको आधा आधा चाहे पूरा और एकदम से ना अपना हाथ हटा लेना इस हाथ को एकदम से हटा देना बॉटल सडनली जम्स अपवर्ड ये छलांग मार के ऐसे 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 ऊपर की तरफ आती है है ना दिस इज बिकॉज वॉटर अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ठीक है ये इस वजह से क्योंकि जो वॉटर है वो भी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ ठीक है जिसको तुम बायसी बोलते हो बायसी क्लियर आगे देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट आप एक और कर सकते हो हैंग अ रबर स्ट्रिंग अटैच अ स्टोन टू द रबर स्ट्रिंग ठीक है एक रबर रबर वाली फॉर्म में रबर ले लो लंबा सा उस पे स्टोन बांध दो ठीक है स्ट्रिंग विल एलोंगेट जो ये धागा होगा जो ये uh, क्या नाम है रबर वाला धागा है लंबा हो जाएगा राइट सबमर्ज द स्टोन इन द वॉटर फिल्ड बकेट जिसमें पानी हो उसके अंदर उस स्टोन को डाल दो ठीक है द एलोंगेशन इन दिंग क्योंकि पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसका जो लेंथ लंबी थी वो थोड़ी सी छोटी लगेगी आपको पहले के कंपेरिजन में तो इससे हमें पता चलता है कि वॉटर भी फोर्स लगाता है फ्लूड कोई भी चीज है जिसके अंदर वो इमर्ज है वो भी क्या लगाते हैं फोर्स लगाते हैं क्लियर हो गई ये वाली चीज आगे देखिए Why does an object sink or float in the water? अब तुम्हें जो पढ़ना है वो किस हिसाब से पढ़ना है उसकी डेंसिटी के हिसाब से आपको ये वाले क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है और सिंक कब करता है एन ऑब्जेक्ट कैन सिंक और फ्लोट ऑन वॉटर बेस्ड ऑन इट्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉटर ठीक है अब आपको ये ध्यान देना कि जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो वो कितना हल्का है कितना हैवी है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ द वॉटर द को हम mass upon volume की की में define करते हैं ना। so, जिस object की density पानी से कम होगी, वो float करेंगे। मतलब जो पानी से भी हल्के होंगे वो फ्लोट करेंगे जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से भी ज्यादा होगी वो क्या करेंगे सिंक करेंगे ठीक है तो इससे हमने क्या क्या चीज निकाली क्या कंक्लूड किया कि बायसी, बायंसी किस पे डिपेंड करती है लिक्विड की डेंसिटी पे ऑब्सिय है ना जिसमें भी उसको डाला जा रहा है उसकी डेंसिटी पे, और की पे जितनी होगी न, उतनी कम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम जितनी ज्यादा वॉल्यूम डेंसिटी क्या होगी उतनी ही कम हो जाएगी एंड वॉयस वर्सा तो इन दो चीजों पर बायंसी डिपेंड करती है आगे देखिए जो वाटर की डेंसिटी है आप लर्न कर लो कितनी होती है थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की लर्न होनी चाहिए आपको अब जो चीज़ मैं आपको बता रही थी जो हल्का होगा जो डेंसिटी जिसकी कम होगी पानी से वो फ्लॉट करेगी ऊपर ऊपर रहेगी और जो हैवी होगी वो नीचे सो so, जो कॉर्क ढक्कन होता है वो वाटर के अंदर फ्लोट करता है बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर और ये जो कील तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पानी के अंदर नीचे चला गया क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज्यादा होती है दैट इज वाई इट सिंक्स ठीक है आगे देखिए आर्कीमिडीज प्रिंसिपल इस पे भी बच्चे रोने लग जाते हैं यार क्या है ये आर्कीमिडीज प्रिंसिपल किसने बनाया क्यों बनाया पर कुछ भी नहीं है बहुत ही आसान है ऐसे समझ में आ जाएगा देखो आर्कीमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है Whenever object is immersed in a liquid, चाहे उसको पूरा पानी में डाल दिया जाए चाहे आधा डाल दिया जाए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है अब तुम्हें पता है जो लिक्विड है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल लगाता है सो द अमाउंट ऑफ फोर्स जितनी भी फोर्स उस पर लग रही है नीचे की तरफ से वो किसके इक्वल होती है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट ठीक है जैसे तुमने दूर से छपाक करके कोई चीज पानी के अंदर फेंकी है तो उससे पानी की कुछ बूंदे उछल के बाहर की तरफ आती है कुछ पानी उछल के बाहर की तरफ आता है वो जो पानी बाहर की तरफ आया है ना वो किसके इक्वलेंट होगा वो किसके इक्वलेंट होगा बाय एंड फोर्स के इक्वलेंट होगा समझ में आई ये वाली बात जैसे अब इसमें वन टू थ्री तीनों इमेजेस को ध्यान से देखना फर्स्ट इमेज में आपको क्या दिखाया कि एन ऑब्जेक्ट इज लोअर्ड इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर एक ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पानी के कंटेनर में डाला गया दूसरे पिक्चर में क्या दिखाया द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस वाटर विच फ्लोज इन टू स्मॉल कंटेनर अब इसको पानी में डालने से जो पानी जो पानी एक्स्ट्रा था मतलब इस ऑब्जेक्ट की वजह से कुछ पानी जो है वो इस कंटेनर में चला गया है ना क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने भी तो एक फोर्स लगाई ना पानी के अंदर अच्छा अब ये क्या कह रहा है वेन द ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली सबमर्ड वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉटर इक्वल्स टू द वॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट ये वाली चीज भी ध्यान रखना की जितना ये पानी बाहर निकला है ना इस ऑब्जेक्ट की और इस पानी की वॉल्यूम बिल्कुल क्या होगी सेम होगी या फिर दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो जितना भी लिक्विड का वेट होगा वो किसके इक्वल होगा जो पानी ने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाई है ठीक है सो बाय फोर्स के इक्वल होगा हो गई ये वाली बात क्लियर आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है तीन पिक्चर्स में आपको सारा यूज Ship हुआ है सब को डिजाइन करने के लिए इसका यूज हुआ है एयर बलून जिसमें तुम हवा में ऊपर घूमते हो वो सब कुछ इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है आपसे पूछ लिया जा सकता है ऑन विच प्रिंसिपल द डिजाइनिंग ऑफ सब मरीन शेप एंड बलून डिपेंड्स तो तुम्हें याद रखना है प्रिंसिपल ठीक है अब देखिए सब मरीन दिया तुम्हारे लिए टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है देखो सब मरीन के अंदर ना टैंक होते हैं ठीक है थीके? जिसको बायसी टैंक बोला गया या फिर जिसको बलास्ट टैंक भी बोला जाता है बलैस्ट कुछ भी नाम दिया हो सकता है तो वेन एवर द सब नीड्स टू बी टेकन इनसाइड वॉटर जब सबमरीन सबमरीन तो समझते हो सभी बच्चे सबमरीन जो पानी के अंदर भी और पानी के ऊपर भी दोनों जगह चलती है ठीक है पानी के अंदर नीचे की दुनिया सारी देखनी है तो सबमरीन के थ्रू जाया जाता है सो so, जब भी सबमरीन को वाटर के अंदर लेके जाना होता है उस टैंक को ना पूरा भर दिया जाता है पानी से उस ताकि उसका वेट बढ़ जाए आप खुद देख सकते हो ये टैंक तुम्हें दिखाए गए है ना अब इन टैंक्स को अगर पूरा भर दिया जाएगा भरने से क्या हो देखो तुम्हें पहले दिख रहा होगा पहले ऊपर है इसको भरा जा रहा है भरा जा रहा है पानी से जब ये पूरा भर जाता है तो उस केस में ये सबमरीन अब नीचे जानी शुरू हो गई है ना क्योंकि उसका वेट बढ़ गया है इसके अंदर सबमरीन का वेट बढ़ना शुरू हो गया है सिमिलरली जब सबमरीन को ऊपर लेके आना है तो इसी टैंक को खाली करते हैं और हवा भरनी शुरू कर देते हैं पानी को निकालना शुरू कर देते हैं और हवा को भरना शुरू कर देते हैं उससे क्या होगा वो हल्का होगा और वो ऊपर आ जाएगा क्या है? ये वाली बात क्लियर हो गई ठीक है तो इन तीनों पिक्चर्स में अगर आप देखना चाहो फिर से देख सकते हो वेन मोस्टली विद एयर ज्यादा उसमें हवा होती है जब वो फ्लोट कर रही होती है वेंट होल्स ऑन द बेलास्ट या फिर टैंक्स आर ओपन टू अलाउ द सबमरीन टू डाइव उसको नीचे जाने के लिए उसके जो होल्स होते हैं उसको खोल दिया जाता है ठीक है वेंट होल्स को ताकि उसमें पानी फिल हो सके ये पानी फिल हो गया अब एयर जो है वो बाहर निकलेगी पानी अंदर आएगा और वो नीचे जाएगी और तीसरे केस में फिर वेंट होल्स को बंद कर दिया जाता है एंड कंप्रेस्ड एयर इज इनटू द द द टैंक टू फोर्स वाटर आउट सो सबमरीन राइजेस फिर से पानी को धक्के से बाहर निकालना ऊपर से एयर के प्रेशर डाल डाल के पानी को निकाला जाता है और फिर सबमरीन वापस से ऊपर आनी शुरू हो जाती है यही सारा सिस्टम आर्क्यूम प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है अब है शिप्स शिप्स को किस तरह से डिजाइन किया गया शिप तो बहुत हैवी होती है पानी से लेकिन फिर भी उसकी एक ऐसी यूनिक वॉल्यूम ऐसी लार्ज वॉल्यूम कर दी जाती है ना सारा का सारा खेल ही वॉल्यूम का हो जाता है ठीक है तो उस केस में देखो जितनी ज्यादा वॉल्यूम उतनी डेंसिटी कम अभी अभी तुम्हें बताया था ना डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम अब वॉल्यूम अगर बढ़ा दी जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगी मतलब पानी से भी कम डेंसिटी हो जाएगी शिप की हालांकि उसमें लोहा वोहा सब यूज हुआ है फिर भी लार्ज वॉल्यूम की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है सो so पढ़िए इसको ध्यान से शिप्स आर हेवियर देन वाटर बट देयर शेप उसकी यूनिक शेप उसको लार्ज वॉल्यूम देती है उसको बड़ी वॉल्यूम देती है ठीक है देर वॉल्यूम इज लार्जर देन देयर वेट एंड वॉटर डिस्प्लेस बाय अड्स इट विद द राइट अप सो दैट इट कैन फ्लो ठीक है जितना वो पानी डिस्प्लेस करेगी उससे उसको एक अच्छी बाइंड फोर्स नीचे से पानी का सपोर्ट मिलता है जिस वजह से वो फ्लोट कर सकती है तो ये बहुत ही इजी है इसको अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे आगे देखिए अब आपसे आप पूछ लिया जाए बताओ ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है कितना उसने डिस्प्लेस किया एंड ऑल बाइंड फोर्स निकालो तो कैसे करोगे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसको पार्शली सबमर्ज किया गया है लिक्विड के अंदर ठीक है पार्शली डुबा रखा है लिक्विड के अंदर एंड मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड आपको ये भी बता दिया कितना लिक्विड बाहर गिरा है कितना लिक्विड um, कितना पानी उसने फेंका उस ऑब्जेक्ट की वजह से कितना पानी बाहर आ गया तो वन पॉइंट फाइव के जी तो बाइंड फोर्स कैसे निकालोगे बाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज एफ इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड है ना जो भी बाइंड फोर्स होती है वो लिक्विड जितना निकला उसी के इक्वल होगी तो और वेट क्या होता है मास इनटू टू जी एम I इनपुजी mean तो मास तुम्हें दे रखा है जी तुम्हें पता है फुट कर दो आ गया तो ये बाइंड फोर्स फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन तो फोर्टीन पॉइंट सेवन न्यूटन बहुत ही ईजी है सब कुछ एक ही चीज के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा है सब कर सकते हो तुम अगला टॉपिक जो आपका है जो कि रिलेटिव डेंसिटी है बहुत ही आसान है इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी और इसके न्यूमेरिकल भी बताऊंगी और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना यार तो सच में बहुत ज्यादा मेहनत से बनाई है आई थिंक पूरे यूट्यूब इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी इससे अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी और ये नोट्स की फॉर्म में तुम्हारे लिए बनाया है तो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ठीक है अब पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है रिलेटिव रिश्तेदार <laughs> है ना कंपेयर जैसे बोला जाता है ना तुम्हारे चाचा का बेटा देख लो हमेशा फर्स्ट आता है क्लास में तुम तुम देखो कभी भी नहीं आते तो ये तुम्हारा रिलेटिव है ना जो रिलेटिव है ना जो कंपैरिजन है ना ये तुम्हें परेशान कर देता है और तुम्हारा दिल करता है फोड़ दू, है ना जिसके इतने मार्क्स आया उस, या तो उसको फोड़ दू या मेरे टीचर को फोड़ दू जिसने मेरे को इतने कम मार्क्स दिए तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है वेन द डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस इन कंपेरिजन विद वॉटर डेंसिटी अब यहाँ पे वाटर वाटर को समझ लो तुम्हारा चाचा का बेटा जिससे हमेशा तुम्हारा कंपैरिजन किया जा रहा है मतलब जब तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारे चाचा के बेटे से हो रहा है वो रिलेटिव है ठीक है? है. उसी को बोलते हैं रिलेटिव नहीं होता है, है ना? क्यूं? दोनों डेंसिटी है यार दोनों डेंसिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे एक दूसरे से तो कोई भी यूनिट नहीं होगा तो ध्यान रखना रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है ठीक है क्योंकि इसकी जो रेशियो होती है सिमिलर क्वांटिटीज की है तो हमें पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा एक सब्सटेंस की डेंसिटी जो जिसकी भी तुम निकाल रहे हो वो ऊपर और जिससे रिलेट कर रहे हो मतलब तुम्हारा चाचा का बेटा वो आ गया नीचे आगे देखिए अब तुमने क्या ये वाली बात सोची कि वाटर को ही क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे मेनली डेंसिटी ऑफ वाटर ही क्यों ली जा रही है पेट्रोल डीजल इसकी क्यों नहीं ली जा रही है भाई वो भी तो आखिर लिक्विड है तो ध्यान रखना वाटर को रेफरेंस इसको प्रेफरेंस किस लिए दी जा रही है वाटर को क्यों लिया जाता है हमेशा क्योंकि वाटर ज्यादातर हर जगह प्रेजेंट है है अर्थ के ऊपर ठीक जो चीज सबसे ज्यादा होगी उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है ना सो वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ सो इट बिकम्स इजियर टू इवेलुएट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन रिलेशन टू वाटर ठीक है तो ज्यादातर इसीलिए वाटर को यूज किया जाता है तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैसे की जाएगी चेक देखिए हाउ रिलेटिव डेंसिटी कैन बी यूज टू मेजर द मेजर टू डिटरमाइन इन एन ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट इन वाटर तो ध्यान से देखिए अगर जो सॉल्व करने के बाद आंसर तुम्हारा वन से ज्यादा आता है तो वो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा ओके okay? वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा तो तुम्हें याद होना चाहिए वाटर की डेंसिटी थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है या फिर वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है तो वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो खुद वाटर की है तो अगर वन से ज्यादा आई तो ऑब्वियसली वो सिंक कर जाएगा और अगर लेस देन वन हुई तो वो क्या करेगा फ्लोट करेगा हो गई ये वाली बात क्लियर अब देखिए इससे रिलेटेड कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे सो so, आपको यहां पे क्या बोला कि एक हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक ब्लॉक जिसकी वॉल्यूम आपको गिवन है कितनी हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और उसका मास कितना गिवन है थ्री नाइनटी फाइव ठीक है अब आपको बोल रहे हैं कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल दो और तुम्हें पता है वाटर की कितनी है इतनी है ना तो अब इसको यूज करो वॉल्यूम दे रखी है ब्लॉक की कितनी हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब मास कितना दे रखा है थ्री नाइनटी फाइव डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो तुम्हारे पास डेंसिटी कितनी निकल गई ग्राम्स में निकलेगी ये क्योंकि आपको ये किलोग्राम में तुमने निकाल ली दोनों को कंपेयर कर दो तुम्हारा ये चाचा का बेटा आ गया नीचे और तुम्हारी डेंसिटी आ गई ऊपर और ये हो गई तुम्हारी रिलेटिव डेंसिटी मतलब तुम दोनों में इतना फर्क चल रहा है भाई और मेहनत करो आगे देखो अब है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक और मुझे पता है तुम्हें अच्छी तो लग रही है है ना? So, है ना सो आयरन क्यूब ऑफ साइड सेंटीमीटर इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल ठीक एक आयरन का क्यूब है क्यूब बनाना आता है बड़ा मजा आता है बनाने में ऐसे ऐसे टीचर सिखाती थी बचपन में अच्छे बना दो. तो ये क्यूब है जिसकी हर साइड तुम्हें कितनी दे रखी है दस सेंटीमीटर क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है ये वाली बात पता होनी चाहिए तो क्यूब तुम्हें दे रखा है दस सेंटीमीटर साइड उसकी दे रखी है और एक हॉरिजोंटल टेबल मतलब ऐसे टेबल के ऊपर उसको रख रखा है ठीक है ये हॉरिजोंटल टेबल पर उसको रखा हुआ है इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज एट थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब और अगर आयरन की डेंसिटी इतनी होती है फाइंड फाइंड द प्रेशर ऑन द पोर्शन ऑफ द टेबल क्यूब इज कैप्ट मतलब इतने इतने एरिया पे जितने पे ये क्यूब रखा गया है इस पे कितना प्रेशर लग रहा है कितना बोझ इस पे पड़ रहा है निकालो आ गया समझ में और जी की वैल्यू आपको यहाँ पे टेन लेनी है ध्यान रखना तो क्योंकि देखो बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ चेक नहीं करते कि इधर सेंटीमीटर में दी हुई है कोई चीज इधर मीटर में दी है उसको कन्वर्ट भी नहीं करते तो ये वाली चीज बहुत ध्यान से समझ लो अगर ये सेंटीमीटर है तो और ये मीटर है तो या तो इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लो ठीक है तो साइड ऑफ क्यूब क्या बन जाएगी जीरो पॉइंट वन मीटर एरिया ऑफ प्लेन ऑफ क्यूब हमें पता है एरिया निकालने का साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है तो एरिया कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर स्क्वायर ठीक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब कर दो तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर क्यूब तो ये तुम्हारे पास साइड एरिया और वॉल्यूम तीनों चीजें हो गई तो तुम डेंसिटी तुम्हें गिवन है कितनी एट थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब ओके और डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम मास क्या होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम तो ये सारी जो वैल्यूज तुम पुट कर दोगे जो ऊपर से तुम्हारे पास निकली है वैल्यूज उससे तुम्हारे पास इसका मास कितना आएगा आठ किलो ठीक है एट के जी आप फोर्स निकालनी है तुम्हें ना फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल बाय आयरन ब्लॉक जैसे कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी तो फोर्स भी क्या होता है एम जी के इक्वल एम कितना है तुम्हारे पास एट जी तुमने टेन लेना है एट्टी न्यूटन क्या लग रही है फोर्स फोर्स और force अगर निकल गई तो तुम प्रेशर ये आ गया तुम्हारे पास? 8, हो गया? समझ में आ गया सो so, यहाँ होता है आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कैसी लगी वीडियो कॉमेंट्स में जरूर बताना और जो बीच में मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था खुद सॉल्व करने वाला था वो भी मुझे बताना कि तुम्हारा बिल्कुल सही निकला या नहीं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी बाय बाय टेक केयर